आज हम स्वेटर के लिए नए डिजाइन बनाना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये डिजाइन 6 फंदे के मल्टीपल में बनेंगे, तो हमने इस पे 22 फंदे डाल रखे हैं, तो चलिए बनाते हैं। देखिए हमने बॉर्डर बना रखे हैं, अब इस पे हम डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए पहले फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को हम ऐसे, ये देखिए दो फंदे हम, एक फंदे स्लिप किए, एक फंदे उल्टा बुने और अब हम एक फंदे इस तरह से सीधा बुनेंगे और फिर फंदे को आगे लेंगे और पांच फंदे हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 5, ये देखिए फिर फंदे को पीछे ले जाएंगे और एक फंदे हम फिर से सीधा बुनेंगे ऐसे, फिर फंदे आगे लाएंगे और फिर से हम पांच फंदे उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 5, फिर हम पीछे ले जाएंगे और फिर एक फंदे हम इस तरह से सीधा बुनेंगे, फिर फंदे आगे लाएंगे और फिर से हम पांच फंदे सीधा बुनेंगे। 3 4 5, ये देखिए अब हम फंदे पीछे ले जाएंगे, एक फंदे हम सीधा बुनेंगे, फिर इस तरह से दो फंदे हम उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदे सीधा, इसी तरह से। देखिए ये हमारा राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है, तो इस साइड में हम देखिए उल्टा फंदे को सीधा बुनेंगे और सीधा फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए ये दो फंदे हम उधर से उल्टा बुने थे, तो इस साइड से हम सीधा बुनेंगे। देखिए एक फंदे हमने उधर सीधा बुने थे, तो इस साइड से हम उल्टा बुनेंगे और पांच फंदे हमने उल्टा बुने थे, तो इस साइड से हम पांच फंदे सीधा बुनेंगे। 3 4 5, एक सीधा, पांच फंदे सीधे, 3 4 5, फिर एक उल्टा, फिर पांच सीधा, 2 3 4 5, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा और एक उल्टा बना लेंगे। देखिए हमारा दो लाइन बन गया, अब हम इसी तरह से दो लाइन और बिनेंगे। देखिए एक फंदे को उतार लेंगे और इस तरह से एक फंदे उल्टा बुनेंगे और एक फंदे सीधा बुनेंगे। इन्हीं दो सिलाइयों की तरह ये दो सिलाई और हम रिपीट करेंगे। देखिए हमने 4 सिलाई बुन ली है, अब हम इस पे डिजाइन बनाएंगे। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और अब हम इस पे डिजाइन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 सिलाई नीचे हम आएंगे यहाँ पे, ये देखिए 4 लाइन बनाए तो 4 लाइन नीचे हम आएंगे, 1 2 3 4, देखिए चौथा लाइन में हम इस तरह से सिलाई डालेंगे और ऐसे करके हम फंदे आगे लेंगे, ये देखिए ऐसे, और फिर हम सिलाई पर इस तरह से उनको इस तरह से रोल करेंगे, फिर हम इस तरह से रोल करेंगे एक टाइम और फिर हम, ये देखिए तीसरे में हम इस तरह से, तीसरे लाइन में हम इस तरह से फंदे निकालेंगे, फिर हम एक टाइम ऐसे रोल करेंगे, फिर हम दूसरा लाइन में हम, देखिए ऐसे हम 4 टाइम फंदे निकालेंगे, ये देखिए, और इस फंदे को हम ऐसे बुन लेंगे, ये देखिए ऐसे। अब हम पांच फंदों को हम फिर से ऐसे,
ये देखिए उल्टा बुन लेंगे। फिर इस सीधी वाले फंदे में हम इस तरह से 1 2 3 4 देखिए चार चार चैन के नीचे, चार सिलाई के नीचे हम यहाँ पे इसमें इस तरह से सिलाई डालेंगे, फंदे को आगे लाएंगे और फिर से हम इस पे इस तरह से धागे को रोल करेंगे। फिर एक टाइम ऐसे, फिर हम धागे को ऐसे रोल करेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 चार टाइम हम इस तरह से फंदे निकालेंगे और ये वाले फंदे हम ऐसे बुन लेंगे। फिर अब पांचवा, ये देखिए पांच उल्टा बुन लेंगे, 3 4 5। फिर इसमें डिजाइन बनेगा सीधी वाले फंदे में, 1 2 3 4 देखिए चार सिलाई हम यहाँ पे चौथा लाइन में हम इस तरह से सिलाई डालेंगे, धागे को ऐसे लाके इधर से हम फंदे निकालेंगे और सिलाई पर इस तरह से धागे को रोल करेंगे। इसी तरह से हम चार टाइम फंदे निकालेंगे, ये देखिए 3 4। फंदे बुन लेंगे, फिर पांच फंदे उल्टा, 1 2 3 4 5 पांच फंदे उल्टा। फिर हम इसमें डिजाइन बनाएंगे उसी तरह से, देखिए 1 2 3 4 चौथा लाइन में हम इस तरह से सिलाई डालेंगे, फंदे निकालेंगे, इस धागे को ऐसे रोल करेंगे। फिर देखिए इसी तरह से हम चार टाइम फंदे निकालेंगे, तीन टाइम हो गया। अब हम इस फंदे को ऐसे बुन लेंगे। फिर अब ये हमारा दो फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, देखिए। अब पीछे की साइड में देखिए पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे इस तरह से और दो फंदे हम सीधा बुनेंगे, देखिए इस तरह से। अब हम फंदे पीछे लाएंगे और जितने फंदे हमने उठाए हैं उस सभी फंदे को हम एक साथ इन सभी फंदों को हम एक साथ इस तरह से बुन लेंगे, देखिए ऐसे। अब पांच फंदे उल्टा मतलब सीधा, देखिए 1 2 3 4 5 पांच फंदे सीधा। फिर हम फंदे को इधर सामने लाएंगे और ये एक्स्ट्रा जो फंदे हमने उठाए हैं उस सभी फंदे को एक साथ हम इस तरह से एक साथ हम सभी फंदे को बुन लेंगे, देखिए ऐसे फंदे पीछे ले जाएंगे और पांच फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 पांच फंदे हम सीधा बुनेंगे। फिर फंदे ये धागे को आगे लाएंगे और फिर ये एक्स्ट्रा सभी फंदे को हम एक साथ बुन लेंगे,
फिर पांच फंदे सीधा, दो तीन चार पांच, फिर धागे आगे लाएंगे और फिर ये सब एक्स्ट्रा फंदे हम एक साथ, फिर धागे पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। देखिए देखिए हमारा खूबसूरत डिजाइन बन के तैयार हो गया है। छः लाइन का ये डिजाइन है और छः फंदे के मल्टीपल में ये डिजाइन बनता है। देखिए बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। आप किसी भी स्वेटर पर, जैकेट पर, जेंट्स स्वेटर, बच्चे की स्वेटर, किसी पर भी ये दे सकते हैं। अब हम देखिए सातवां लाइन, देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब हम पांच फंदे, एक दो तीन चार और एक पांच, पांच फंदे हम उल्टा बनाएंगे। देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टा हो गया। और अब हम ये बीच वाले फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे और फिर पांच फंदे उल्टा, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टा, फिर से धागे पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाएंगे और फिर देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। इसी तरह से अब हम पीछे की साइड में देखिए एक फंदे हम पहले स्लिप कर लेंगे, उसके बाद पांच फंदे सीधा बुनेंगे, तीन चार पांच, पांच फंदे सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से पांच फंदा सीधा, दो तीन चार पांच, पांच फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर पांच फंदा हम सीधा बुनेंगे, चार और एक फंदे हम ए वाले इस तरह से उल्टा बना लेंगे। ये देखिए अब सेम तरीक़े से हम दो लाइन और बुन लेंगे, पांच उल्टा एक सीधा, फिर पांच उल्टा एक सीधा, फिर पांच उल्टा एक सीधा, इस तरह से। अब उल्टी साइड से पांच सीधा एक उल्टा, पांच सीधा एक उल्टा, इस तरह से हम दो लाइन और रिपीट करेंगे। देखिए हमने चार लाइन बना ली है, अब हम इस पे डिजाइन बनाएंगे। देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, तीन चार पाँच, इस तरह से पांच फंदे हमने, दो दो चार पांच फंदे हमने उल्टा बना ली है। अब फंदे पीछे ले जाएंगे और देखिए एक दो तीन चार, चार लाइन हम नीचे आएंगे यहाँ पे, इस फंदे में हम ऐसे सिलाई को डालेंगे और ऐसे करके फंदे हम निकालेंगे। देखिए ऐसे एक फंदे निकालें और सिलाई पर इस तरह से फंदे डालेंगे और फिर हम इसी तरह से चार फंदे और निकालेंगे, दो तीन चार
चार, देखिए चार टाइम हमने फंदे निकाल लिए। अब इस पांचवें वाले, इस वाले फंदे को हम जो सिलाई पे है इस फंदे को हम ऐसे बुन लेंगे। देखिए अब हम पांच फंदे उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे हमने उल्टा बुन लिए। अब हम फंदे पीछे ले जाएंगे और यहाँ देखिए एक दो तीन चार, चार सिलाई नीचे आएंगे और यहाँ से हम फंदे निकालेंगे ऐसे, ये देखिए इस तरह से। फिर सिलाई पे हम फंदे इस तरह डालेंगे और अब हम तीन टाइम और इसी तरह से फंदे निकालेंगे। तीन हो गया, अरे चार, ये देखिए पांचवा फंदा हम इस तरह से बुन लेंगे, धागे आगे करेंगे और फिर हम पांच फंदे दो तीन चार और एक पाँच, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और फिर इस सीधी लाइन में हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए एक दो तीन चार, चार लाइन नीचे आएंगे और सिलाई को इस तरह से डालेंगे, फिर फंदे इस तरह से बनाएंगे। देखिए चार टाइम फंदे हम निकालेंगे। पांच फंदे उल्टा, तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टा एक फंदा सीधा, ये देखिए। अब इस साइड से एक फंदे को हम स्लिप करेंगे, पांच फंदे हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हम सीधा बुनेंगे और एक्स्ट्रा जो फंदे हमने उठाए हैं इस सब फंदे को एक साथ इस तरह से एक साथ ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए फंदे पीछे ले जाएंगे और पांच फंदे सीधा, दो तीन चार पाँच, फिर फंदे आगे लाएंगे और फिर एक्स्ट्रा सभी फंदे को हम एक साथ इस तरह से एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे, पांच फंदे सीधा, एक्स्ट्रा सभी फंदे एक साथ। फिर हम यहाँ चार फंदे सीधा बुनेंगे और एक फंदा उल्टा, ये देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनके तैयार हो गया है। देखिए अब हम फिर से पहली लाइन यहाँ पे बनाएंगे, देखिए ऐसे पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पांच फंदा हम उल्टा बुनेंगे। देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टा फिर एक फंदा सीधा, फिर पांच फंदे उल्टा, एक दो तीन चार पांच, फिर एक फंदा सीधा, फिर पांच फंदे उल्टा,
एक दो तीन चार पाँच, फिर एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। उल्टी सिलाई में फिर हम एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर पांच फंदा सीधा, तीन चार पाँच, फिर एक फंदा उल्टा, फिर पांच फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर पांच फंदा सीधा, दो तीन चार पाँच। इसी तरह से ऊपर में भी हम एक लाइन सीधी लाइन बनाएंगे, इधर से पांच फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, पांच फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, इस तरह से दो लाइन और बुन लेंगे। ये देखिए हमारा खूबसूरत डिजाइन बन के तैयार हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।